हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। और यार बच के रहो, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे मनी की डेफिनेशन, पढ़ चुके थे बार्टर सिस्टम, पढ़ चुके थे हम लोग और काइंड्स ऑफ मनी जो मैंने कल वाला लेक्चर पढ़ाया। देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज ये थर्ड पार्ट है। जिस किसी ने भी पार्ट 3 तक नई वीडियो देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की। ये पार्ट चल रहा है, यूनिट 1 हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है नाउ, इसमें 2 या 3 लेक्चर और लूंगा तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जिस किसी ने भी देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप जाकर चेकआउट कर लेना। नाउ आज हम बात किसकी करेंगे सर? आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मनी की, कि मनी सर फंक्शन। मतलब पहला वाला पार्ट में मैंने समझा दिया था, ओवरव्यू दिया था पूरे चैप्टर का, ठीक है। नाउ आज हम बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे कि सर फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, कि उसका फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है मनी का, ठीक है। मनी हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्या है, फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है। तो सर बेसिकली हमने जो मनी को ना, उसके जो फंक्शन को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। कौन कौन से सर? एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको लिखना भी ऐसे है, अगर आपको पूछेगा कि आपको रोल बताओ मनी का या फिर फंक्शन बताओ, तो आपको ये पहले चार्ट बनाना है, ये चार्ट बना के देन उसके बाद इसको क्लैरिफाई करना है, ठीक है ना। पहला फंक्शन ऑफ मनी का क्या है? प्राइमरी फंक्शन। और दूसरा क्या होता है अपना? सेकेंडरी फंक्शन होता है। नाउ प्राइमरी फंक्शन के अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि फंक्शन ऑफ मनी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला कौन सा है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर भी 2 पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है? मेजर ऑफ वैल्यू। कुत्ता भोगले वाले भोगले भाई, देख रहे हो, पढ़ा नहीं देते हैं, ठीक है। चलो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है? मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकेंडरी फंक्शन कौन सा होगा? देखो मैं रुक जाओ, थोड़ा पॉज कहता हूं। सॉरी 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 सॉरी, कुत्ते ज्यादा ही भौंकने लग गए थे। कोई जा रहा होगा रास्ते में, रात का टाइम हो रहा है, देखो 11 12 बज रहा है, तो कोई जा रहा था तो वो भौंकने लगे, सो सॉरी फॉर डैट। चलो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमने प्राइमरी फंक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। 2 पार्ट में कौन कौन से? एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर, मनी के आने से एक चीज क्या हुआ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हुआ है उस पर्टिकुलर मतलब चीज का हमें दाम पता हो गया है, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन को हम जस्टिफाई करेंगे। देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो हम बात करेंगे, प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी व्हिच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। और हर एक कंट्री में एक बड़ा रोल प्ले करता है कौन? मनी, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सर? प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या है? मतलब एक आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा आता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यूनिट ऑफ वैल्यू। नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स डेट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि ये मैं कोई डस्टर है, मैं इस डस्टर को खरीद कर लाया हूं, तो इसकी क्या है? एक वैल्यू है। इसके बदले मुझे पैसे ही देने हैं। क्या देने हैं? इसके बदले मुझे क्या देना है? पैसे ही देने हैं। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में? क्या होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि चीज के बदले चीज देनी पड़ती थी। अब सामने वाले को चाहिए कुछ और मुझे चाहिए कुछ और, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि अगर ये मैं किसकी स्टेशनरी की दुकान पे जा रहा हूं, उसको क्या चाहिए? हमारी चाहिए, वो से पैसा चाहिए, उसको अपना सामान बेचना है, ठीक है नाउ। हमें कोई चीज चाहिए और उसके बदले हमें क्या देना है? पेमेंट देना है, यानी कि मनी देना है। इसकी क्या है? एक वैल्यू है। अगर मैं 1 किलो चीनी लेने जा रहा हूँ तो उसकी क्या है? एक वैल्यू है। 1 किलो चीनी हमारे 40 रुपए की है, तो इसकी क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है। दिस फंक्शन रिमूव द मेजर डिफिकल्टीज ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। देखो डबल कोइंसिडेंस कहां देखने को मिला था? हमको बाटा सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस देखने को मिला था। देखो चीज के बदले चीज ले रहे थे। अब भाई हमारे पास वो सामान है, अगर सामने वाले के पास वो मतलब उसको जो चाहिए वो नहीं है उसके पास, तो हमारे पास क्या होता है? क्लैशेस हो जाते थे। नाउ यहां पर क्या है? हमारे पास मनी है और हम मनी से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। आज के जमाने में खरीद सकते नहीं खरीद सकते? नाउ
रिमूव द मेजर डिफिकल्टीज ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम. जो हमें बार्टर सिस्टम में देखने को मिलता था वो यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है. ठीक है, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्ट इंडिपेंडेंटली वन अनदर. सर इंडिपेंडेंटली क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? इंडिपेंडेंटली इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है. आपको कोई चीज चाहिए, बार्टर सिस्टम में क्या होता था? डिपेंडेंट थे, हमें वो चीज चाहिए थी, उसको ये वाली चीज नहीं चाहिए थी, मुझे पेंसिल चाहिए थी, उसको मार्कर नहीं चाहिए था, तो क्या होगा? तो डिपेंडेंट रहते थे हम लोग. नाउ यहाँ पे क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है. अब दुकान पे जाओ, दुकान पे तुम्हारे पास पैसे हैं, आप दुकान को पर्चे मतलब पैसे पे करो, देन उसके कोई भी सामान खरीद सकते हो. नाउ ये क्या हो गया हमारा? किस में आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है. नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. ठीक है, मनी के पास, देखो मनी जो होता है, अगर मेरे पास 50,000 रुपए रखा है, क्या रखा है? 50,000 रुपए मेरी जेब में रखा है, क्या ये मेरी जरूरत पूरी कर सकता है? नहीं. अगर ये फोर्स करेगी, कमांड करेगा कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? देखो, बट इट कमांड्स पावर टू परचेज दोज थिंग्स विच हैव यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स. अगर तुम्हारे पास ये कमांड करेगा हमारा माइंड, जो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज हमें चाहिए होगी, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे लगता है कि लाइट कम है थोड़ी सी, है ना, तो मुझे कुछ मतलब लाइटिंग की बहुत व्यवस्था करवानी है, तो लाइटिंग मैं खरीद कर लाऊंगा. अब मेरे पास 50,000 रुपये रखा है, क्या मैं 50,000 रुपये लटका दूंगा कि इधर से लाइट आएगी? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, कि अब ये 500 के नोट लटका दिए यहाँ पे मैंने, अब यहाँ से देखो अब मेरी जरूरतें पूरी होंगी. ऐसे थोड़ी, मनी से जरूरतें पूरी नहीं होती, हमें उसको क्या करना पड़ता है? यूटिलाइज करना पड़ता है अच्छी तरह से. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ये वाले पॉइंट थे. आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी. नाउ सेकंड पॉइंट क्या था? प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पॉइंट क्या था? मेजर ऑफ वैल्यू. और हर एक चीज की क्या होती है? वैल्यू होती है, यूनिट ऑफ वैल्यू होती है. मनी हैज एज अ मेजर of value means that money work as a common denominations in which value of all goods and services are expressed. कोई भी चीज ले लो यार, हम एजुकेशन कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन एक तरफ हो जाता है और हमारा क्या होता है? एजुकेशन एक तरफ और क्या कहते हैं आपसे? एजुकेशन एक तरफ होता है और हमारा क्या कहते हैं? पैसे एक तरफ होते हैं. तो क्या होता है? हर चीज को खरीदने के लिए कोई भी वॉन्ट्स, हमारी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है. ठीक है, नाउ हमने तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं आपके क्या करने के लिए? मनी वर्क. मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन. नाउ थर्ड पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? मनी हेल्प इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज. ड्यू टू दिस रीजन इट्स रिगार्डेड एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट. क्या देखो, अब हर जगह हर एक चीज का क्या चलती है? करेंसी चलती है. क्या चलती है? करेंसी चलती है. इंडिया में क्या चलती है? रुपी चलता है. इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड चलता है. अब जापान में चले जाओगे, येन चलता है. ठीक है, अब ऐसे बाहर जाते जाओगे तो हर एक चीज की, हर एक कंट्री की अलग अलग क्या है? करेंसी है. क्या है? हर एक चीज क्या है? करेंसी है. तो करेंसी हमारे इंडिया में कौन सी चलती है? रुपी चलती है. हर एक चीज को किस में तोला गया है? रुपीज में तोला गया है. अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर मैं मैप लेने गया हूं, तो मैप में मुझे क्या चाहिए? मैप को खरीदने के लिए मुझे करेंसी चाहिए. अब ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई भी लोग आकर यहां पे अपनी करेंसी चला देगा, है ना, ऐसे चलाते रहेंगे. पाकिस्तानी रुपी चलता वहां पे, तो पाकिस्तानी रुपी यहां पर चलेगा नहीं. तो हर एक कंट्री की क्या होता है? अपना एक करेंसी होता है, उसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है. ठीक है, नाउ तो क्या हो गया? हर एक चीज की क्या होती है? एक वैल्यू होती है. हर एक चीज का क्या होता है? एक डिनोमिनेशन होता है. मनी एज अ डिनोमिनेशन. ठीक है, नाउ यहां तक, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्टली समझ में आया होगा. नाउ अब हम बात करते हैं किस चीज की? सेकेंडरी फंक्शन की. किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं. और जो सेकेंडरी जो फंक्शन है ना, वो यहीं से निकल के आया है. क्या सेकेंडरी फंक्शन जो है वो यहीं से निकल के आया है? क्या सर, क्या कह रहे हो? समझाओ थोड़ा सा. दीज फंक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन एंड देयरफॉर, इसलिए दे ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शन. भैया दो नाम याद कर लेना इसके, कौन कौन से? एक तो सेकेंडरी फंक्शन ये हो गया, और उसको डेरिवेटिव फंक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डेरिवेटिव फंक्शन भी कहा जाता है. सर इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और दूसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू. सर इसको भी क्लासिफाई करिए थोड़ा सा. बिल्कुल करेंगे बच्चा. नाउ मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ मीन्स दैट मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड
फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। क्या कर सकते हैं हम इसको फ्यूचर में, अब कोई भी चीज ले लो यार, हमने कोई उधार सामान लिया, हमने कोई उधारी ली तो उसको हम चुका सकते हैं ना। अब पहले क्या होता है वाटर सिस्टम में, हमने कोई उधार ले ली, उसकी गाय हमने उधार ले ली थी, ठीक है। अब हमने किसी चीज को उधार ले लिया, अब भाई उसको देख रहे हैं, अब वो कहता है कोई बात नहीं बच्चा, अगली अगली साल जो अगली बार मुझे दो ना तो तुम मुझे गाय दे देना। अब भाई हो सकता है कि हमारे पास गाय ना हो, है ना, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास गाय ना हो, तो बाटर सिस्टम में। अब ये क्या हो गया, हमने किसी से उधार लिया सामान, है ना। अब मम्मी लोग जाती है उधार, मतलब क्या होता है वो खाते में लिख लेते हैं महीने के एंड में दे देना आप, ठीक है, ये होता है। तो हम उसके बदले में क्या देते थे, पैसे दे देते थे। तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड बन गया कि भाई तुमने 5,000 का सामान खरीदा, उसमें आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोई भी सामान उठा के ले, तो क्या हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। पेमेंट का करने का क्या हो गया कि स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। नाउ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड बोरोइंग और लेंडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अब क्या हो गया, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड, ठीक है, सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। कोई भी सामान खरीदा, उधारी में खरीदा या फिर उधार दिया, तो उसके बदले हमें पैसे ही मिलेंगे, हमें ये निश्चित हो गया, ठीक है। नाउ इट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे लोन लेना, ठीक है, लोन लेना। अब हमने लोन तो ले लिया है, यानी कि खेत ले लिया, खेत पे लोन ले लिया, ठीक है, हमें उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उससे क्या चलते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये बात बताओ, मनी को जब हम छोटे थे, अब भी छोटे हैं, गुल्लक बनाई होगी सबने, है ना। गुल्लक में क्या होता है, हम पैसे डालते हैं, बिल्कुल डालते होगे, सब लोग डालते होगे, और जब वो पैसे डालते हो तो क्या उसकी वैल्यू घट जाती है, बिल्कुल नहीं घटती सर। आजकल के घरों में, अब ये बैंक में पैसे जमा करना है इस लाइक गुल्लक, अगर हम बैंक में आपके पैसे जमा है तो गुल्लक ही है, आप स्टोर करके रख सकते हो, नहीं रख सकते पैसे को, बिल्कुल रख सकते हैं। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई भी चीज खरीदी उसको स्टोर, जैसे मैंने दूध का एग्जाम्पल लिया था, क्या हम दूध को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते सर, खराब हो जाएगा 1-2 दिन के बाद, हम महीने भर नहीं चला सकते, लेकिन महीना वो जो पैसा जो होता है वो थोड़ी खराब होगा, है वो खराब होगा, कोई कुछ खराब नहीं होगा। मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रैंकिंग रैंकिंग ऑफ ₹1 to 2,000, ठीक है, रैंकिंग फ्रॉम 1 to ₹2,000 तक आप क्या कर सकते हो, गुल्लक में सेव कर सकते हो या फिर अपने पास रख सकते हो, वो कभी खराब नहीं होगा। मनी कोई खराब होगा, नहीं होगा। मनी हैज टू मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और आप गुल्लक में से निकाल के, जैसे कि आपने 10 साल के लिए गुल्लक रख ली, वो बात अलग है, डिमोनेटाइजेशन हो जाए। अभी तक हमारे इंडिया में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, याद रखिए, आपको तो बस अभी 2016 वाली याद होगी बस, ठीक है। नाउ मनी हैज अ मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सो इट कैन बी इजिली एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स एट ऑल टाइम, आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर सच एज सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, आप क्या कर सकते हो, गुड्स को सेव करके रख सकते हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या आता है, अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दूसरा वन आता है आपका, कौन सा आता है सर, आपका आता है मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और दूसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों ने मजे लिए होंगे, थैंक यू सो मच।